गुस्सा हो फिर क्यों मुंह बनाए हो? प्यार आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड खुशहाल होंगे। अच्छा, ये आयत का बर्थडे व्लॉग है तो इसमें सारी क्लिप्स जो हैं वो बर्थडे से रिलेटेड ही हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में मैंने कुछ गिफ्ट्स आइडिया शेयर किए हैं, तो आप चाहो तो पूरा व्लॉग स्किप करके एकदम एंड में जाके देख सकते हो, अदरवाइज़ आप चाहो तो पूरा व्लॉग इन्जॉय कर सकते हो। बहुत सारी फ़न और मस्ती भी है इसमें। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे ब्लॉग को, तो वेलकम टू माई चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, ऑलरेडी अगर सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच यार। अच्छा, यहाँ पे ना मैं भुट्टा भून रही थी। हम लोग एक दिन पहले भुट्टा लेके आए थे और इसको मैंने थोड़ा सा काला नमक नींबू में लगा के, इसे नींबू काले नमक में डिप करके ऊपर से लगाया था। इतना मज़ा आ रहा था ना इसको खाने, सेम टू सेम वही टेस्ट आ रहा था जो हम जुहू में खाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 50-55 का एक भुट्टा आता है। तो हमने कुछ 35 रुपीज़ का 3 भुट्टा लाया था और मज़े से इंजॉय किया था। तो आप भी अपने घर पर ला के भुट्टा भून के ऐसे ज़रूर खाइएगा। अच्छा, आयत के लिए ना मैंने 7 गिफ्ट्स लेने थे, 5 मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, आयत 7 ईयर्स की हुई है। तो जो 5 मैंने लिए हैं ना वो सारे ऐसे एक्टिविटी काइंड ऑफ गिफ्ट्स हैं, तो 2 मुझे और लेने थे। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे गर्ली टाइप ले लूँ, एक्सेसरीज़ हो गया या फिर कुछ पर्स वगैरह, ऐसे लड़कियों को बहुत एक्सपेक्टेशन होता है। तो उसके लिए मैं मेरे हस्बैंड और अजहान अभी हम लोग बांद्रा आए थे। करो, कुछ नहीं करेगा, एक बार टच तो करो। चलो मैं भी चल रही हूँ। नहीं कुछ करेगा, टॉय है वो, बड़ा सा टॉय है, डायनासोर टॉय है, टच तो करो। कुछ नहीं किया ना, कुछ नहीं किया ना। अच्छा, यहाँ पे 2-3 फ्लोर थे, सब जगह पे टॉयज़ ही थे, लेकिन ये एक्चुअली शॉप जो है ना वो हमारे लिए नहीं थी, ये बांद्रा में लोकेटेड है, मतलब बांद्रा वालों के लिए होगी, क्योंकि इतने महंगे टॉयज़ थे ना यहाँ पे, हमारी औकात से बाहर था यार। हम लोग एक्चुअली हेमलीज़ भी प्रेफर नहीं करते क्योंकि हेमलीज़ भी बहुत महंगे आते हैं टॉयज़, लेकिन ये है कि थोड़ी क्वालिटी अच्छी रहती है। लेकिन हाँ, एक्टिविटी वगैरह के टॉयज़ अगर आप देखने जाओगे ना तो हेमलीज़ में बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। चेयर किसी को भी नहीं दूं, क्यों? कहाँ पर बैठेगी मम्मा? इधर, यहाँ पर तो दे दो ना, वो अंकल मांग रहे तो। अच्छा, मुझे अजहान को लेके रास्ते पे से घूमना नहीं था, तो इसलिए मैंने अजहान को उसके डैडी के साथ में भेज दिया था कि आप लोग जाओ कुछ खा पी लो, और जब तक मुझे जो चाहिए वो मैं यहाँ पे ढूंढ लेती हूँ। बांद्रा में बहुत ऐसे घूमना ढूंढना पड़ता है, और एक जो शॉप स्पेसिफिक जहाँ से मैं लेती थी ना एक्सेसरीज़, वो शॉप एक्चुअली बंद हो गई थी, तो फिर मैंने बस 1-2 छोटे छोटे चीज़ यहाँ से ले ली थी। नहीं, गंदी बात। अच्छा, लौटते टाइम में ना बारिश होने लगी थी, तो हस्बैंड ने अपना रेनकोट अजहान को पहना दिया था, और मेरे पास छतरी तो थी लेकिन बाइक पे छतरी काम नहीं करती यार। आजू जादू। चलो छी, उसमें स्नेक है। चलो जल्दी बैठो, पीछे की आगे हम लोग जा रहे बाय। अच्छा, अभी हम लोग घर पे आ गए थे, तो घर पे आके मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया था। मैं एक्चुअली डेकोरेट नहीं करना चाहती थी, मैंने सोचा था सिर्फ ऐसे आयत की फ्रेंड्स रहेंगे, उसके कज़न्स रहेंगे, केक काट देंगे, और जो भी उसके मतलब उसको एक्सपेक्टेशन है गिफ्ट्स के वो मैं उसको ला के दे दूँगी। लेकिन फिर उसने बहुत ज़िद की, मम्मा थोड़ा सा डेकोरेट कर दो, डेकोरेट नहीं करोगी क्या? तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो सैड ना हो जाओ। आप शुरू में ना मॉर्निंग के टाइम पे उसको ऐसा लगा कि हमने उसके लिए कुछ नहीं लाया है, कोई गिफ्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हम उसके लिए, तो थोड़ी सी सैड होके गई थी वो स्कूल, ठीक से बात भी नहीं कर रही थी, क्योंकि बच्चों को रहता है एक एक्सपेक्टेशन रहता है बच्चों को कि हाँ हमारा बर्थडे तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डेकोरेट कर दिया था जहाँ पर हमको केक काटना है।
पता है 7 बजते ही केक भी आ गया था, हमने 7 बजे का बोला था टाइमिंग, तो उन्होंने फ़ोन नहीं किया, डायरेक्ट लेके आ गए थे, तो केक का हर टाइम का मसला हो जाता है, ये फ्रिज में जाता नहीं है हमारे, और फिर इसको बाहर नहीं रख सकते क्योंकि मेल्ट होने लगेगा, तो थोड़ा बहुत इसको काट के ऊपर से हम एडजस्ट कर रहे थे ताकि ईजिली फ्रिज में एडजस्ट हो जाए। और पता है सब कुछ ऑन टाइम था, हम ही लेट थे, एक्चुअली हम चले गए थे उसका गिफ्ट्स लेने के लिए, और फिर आयत भी स्कूल से ना बहुत लेट आती है, स्कूल से आती है उसके बाद वो अरबी जाती है, तो मैंने उसकी अरबी की भी छुट्टी नहीं की थी, मैंने उसको बोला था नहीं जाओ छुट्टी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बोल रही थी मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मैंने बोला नहीं आप अरबी जाओ, जब तक आप अरबी से आओगे तब तक सब कुछ यहाँ पर अरेंजमेंट हो जाएगी, तो वैसे ही किया था हमने वो। उसके बाद वो जैसे अरबी से आई और उसको फिर फ्रेश वगैरह करके मैंने उसको रेडी कर दिया था, पहले मैंने उसको दूसरा कपड़ा पहनाया था, फिर मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है उसका कपड़ा, तो फिर मैंने उसको फिर दूसरा कपड़ा पहनाया, और इस तरीके से फिर मैंने उसको रेडी कर दिया था, थोड़ा सा मेकअप वगैरह टचअप वगैरह कर दिया था, उसके फ्रेंड्स उसके रेडी होने से पहले ही उसके फ्रेंड्स आ गए थे। अच्छा आयत रेडी हो गई थी और सब लोग आ गए थे, जितने भी मेहमान आने थे सब आ गए थे, तो मैंने थोड़े बहुत वीडियोज़ फ़ोटोज़ वगैरह लिए, फिर ये लोग ने अपना गेम वगैरह शुरू कर दिया था खेलना। अच्छा बच्चे सब बाहर खेल रहे थे, आयत भी बाहर थी, तो जो 2 गिफ्ट्स अभी मैं लेके आई थी ना वो मैं फटाफट से अंदर पैक कर रही थी, और पता है मुझे अभी तो मैं कुछ लेके नहीं आई, मुझे एक ही मिला था, वो भी एक छोटा सा पर्स मिला था बांद्रा में, मैंने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया था, बारिश भी हो रही थी और जो शॉप चाहिए थी वो भी बंद हो गई थी तो कुछ मिला नहीं। एक है ना मैंने उसके लिए ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर किया था जो एक्सपेक्टेड था 24 जुलाई को, लेकिन पता नहीं कैसे वो उसी दिन दोपहर में डिलीवर हो गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब 6 नहीं 7 हो गए, मैं थोड़ा सा ये हो गई थी कि अरे यार 7 नहीं होंगे, फिर मतलब बर्थडे के बाद में गिफ्ट फिर गिफ्ट नहीं रह जाता, तो मैंने मुझे ऐसा था कि नहीं 7 होने चाहिए, मैं कैसे भी कर रही थी कोशिश लेकिन नहीं हो पा रहा था, बट उसी दिन वो जो ऑनलाइन वाला डिलीवर हुआ ना तो टोटल मिला के 7 गिफ्ट हो गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो फटाफट से मैंने 2 गिफ्ट उसके पैक कर दिए थे। गया। ए, 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 ए,
बंद करूँ कि नहीं करूँ? अलीजा से हाय, वेरी गुड, आर यू बड़ी गर्ल? बढ़िया, स्माइल दो प्यारी वाली, हाय करो। अरे रे, और पापा के पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। अच्छा, केक कटिंग वगैरह हो गया था, लाइट्स और स्नैक्स रखा था हमने, तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, संगीत कुर्सी खेली और पता नहीं कौन कौन से गेम खेले, केक वगैरह खाया, स्नैक्स खाया, उसके बाद बहुत टाइम तक बच्चे अपना मस्ती कर रहे थे। आयत को हमने उसके गिफ्ट्स दे दिए थे, शी वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि कुछ भी मतलब मिलेगा मुझे, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था हमने कुछ भी नहीं लाया है। और अच्छा, जो भी गिफ्ट्स मैंने लिए ना वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि एक आइडिया मिल जाता है। ये एज के बच्चों के लिए गिफ्ट्स चूज़ करना ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, टॉयज़ वगैरह तो देना नहीं होता है क्योंकि टॉयज़ अब यूज़फुल नहीं होते। अच्छा, बहुत महंगे गिफ्ट्स हमने नहीं लिए थे, सारे गिफ्ट्स बहुत अफोर्डेबल है, रीज़नेबल है। तो सबसे पहला ये गिफ्ट है, ये हमने हेमलीज से लिया था, फ्रेश में लिया था, इस पर कोई भी ऑफ़र वगैरह नहीं था। इसके ये पूरा एक्टिविटी किट था, एक इसके अंदर एक स्क्रैप बुक थी बहुत अच्छे से कलरफुल पेजेस थे उसके, और साथ में बहुत सारे स्टिकर्स आए थे, 5 पेजेस के डिफरेंट स्टिकर्स आए थे, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्टिकर्स थे, शाइनिंग वाले थे और अलग अलग तरीके के स्टिकर्स थे। इसके साथ पे एक छोटा सा ऐसे कलरफुल टेप था, एक सीज़र थी जो बच्चे यूज़ कर सकते हैं, कुछ बटन्स थे, ग्लू स्टिक थी और ये डायमंड वाले कुछ स्टिकर्स थे। अच्छा, नेक्स्ट गिफ्ट जो है वो ये हमने 70% ऑफ जो मैंने आपको बताया ना हेमलीज़ में लगता है वहाँ से लिया था। ये एक ऐसा पूरा अच्छा सा वुड का एक फ्रेम है, बोर्ड काइंड ऑफ है, इसके पीछे स्टैंड भी दिया हुआ है, और इसके साथ में ना इस तरीके के अल्फ़ाबेट्स नंबर्स वगैरह आए थे यहाँ पे, मतलब इस पर आराम से ये लग जा रहे थे, आप जो चाहो इस पर लिख सकते हो। बहुत अच्छा, मुझे बहुत यूज़फुल लगा क्योंकि मतलब कैसे हो सकता है हम बच्चों को वर्ड्स दे सकते हैं, बच्चे इस पर बहुत क्रिएटिवली बना सकते, इतने सारे इसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह थे, डुप्लीकेट्स भी थे, तो अच्छा है, यूज़ हो सकता है। और यहाँ आए बैठ के अपना सेम वही क्राफ्टिंग वगैरह कलरिंग वगैरह कर रही है। अच्छा, इसके साथ में एक पीस और आया था, ये MDF का वुड था, पीछे ये हैंग करने वाला था, और आगे ऐसा ये प्लास्टिक का पूरा इसका पेज है, और कुछ फ्रेम भी आए थे साथ में, तो ये भी सेम इस पर आप लिख सकते हो, ईजिली इसमें अटैच हो जा रहे थे अल्फ़ाबेट्स, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, नेक्स्ट गिफ्ट जो है ये अलग अलग साइज़ और शेप्स के छोटे छोटे बीट्स थे, बहुत कलरफुल, एकदम वाइब्रेंट कलर है इनका। इसके साथ में कुछ हुक्स आए थे, लॉकेट्स आए थे, और छोटी सी प्यारी सी सीज़र आई थी, और साथ में ये 2 हेयरबैंड इसमें बीट्स डाल के बनाने के लिए 2 हेयरबैंड आए थे, और साथ में प्लास्टिक का स्ट्रेचेबल जो धागा होता है ना वो आया था, जिसका हम ईज़िली गले का नेकलेस या फिर ब्रेसलेट वगैरह बना सकते। ये एक टाइम पर काफ़ी ट्रेंडिंग में था जब चला था, मैंने तो खैर बहुत लेट मंगाया है, मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाया था, कुछ 300 के आसपास पड़ा था, और 400 प्लस इसमें बीट्स हैं, तो काफ़ी रिजनेबल और वर्थफुल लगा मुझे ये। और ये आयत ने ये 2 गले का नेकलेस और एक ब्रेसलेट बनाया था, स्ट्रेचेबल है तो बहुत इजीली पहन सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जब तक मैं वीडियोस ले रही थी ना, आयत ने यहाँ पे अपना नाम और मेरा नाम लिखा था, तो ये बहुत क्रिएटिव लगा था मेरे को, इसलिए मैंने लिया था। अच्छा, नेक्स्ट जो गिफ्ट है ये एक बड़ा सा प्यारा सा पाउच है, ये पता नहीं साइज़ आपको वीडियो में जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा साइज़ है ये पाउच का, बड़ा सा। इसके साथ में मैंने ये एक ड्राइंग बुक ली थी, ये मैंने DIY से लिया था, 170 की बुक थी, वो टाइम पे ऑफ़र अच्छा खासा चल रहा था up to 60%, तो मुझे 150 के आसपास बुक पड़ी थी, और पाउच का मुझे याद नहीं है। और जो इसके ड्राइंग के पेजेस हैं ना बहुत अच्छे, एकदम मोटे थिक पेजेस हैं, और साथ में मैंने ये सारे पेंसिल कलर्स, ये मेरे पास ऑलरेडी था एक्स्ट्रा स्टेशनरी में, तो ये मैंने ये पाउच में डाल दिया था, और एक सेट बना दिया था इसका मैंने, साथ में ये स्टिकर्स लिए थे, पूरा मैंने ये पाउच में डाल के एक गिफ्ट ये बना दिया था। अच्छा, नेक्स्ट गिफ्ट जो है ये अगेन एक एक्टिविटी किट है, तो ये भी मैंने DIY से लिया था, इसका प्राइस
कुछ 700 के आसपास था, हमको 400 के आसपास पड़ा था। और इसके साथ इसके अंदर है ना ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ और शेप्स के ऐसे MDF के कटआउट्स हैं, और इसके साथ में एक छोटी सी बुकलेट भी है जिसमें सब इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है कि आप इसका क्या बना सकते हो, साथ में कलर्स थे पेजेस से कलर करने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी लगी मेरे को। अच्छा, मैंने जो गिफ्ट्स लिए हैं ना वो सब मोस्टली एक्टिविटी, क्राफ्ट और ड्राइंग से रिलेटेड है, क्योंकि आयत का अभी उसमें आजकल इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स प्लान कर रहे हो ना, तो आप ये देख सकते हो कि आपके बच्चे फ़िलहाल किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है ना, उनका इंटरेस्ट अलग अलग फील्ड में जाता है। कुछ बच्चों का स्पोर्ट्स में, कुछ का सिंगिंग में, कुछ का क्रिएटिविटी में, क्राफ्टिंग में, ड्राइंग में। तो इस तरीके से ईजी हो जाता है बच्चों के लिए गिफ्ट चूज़ करना। खैर, नेक्स्ट गिफ्ट जो है ये एक छोटा सा क्यूट सा पर्स है। ये जब मैं लिंकिंग गई थी ना तो मुझे कुछ मिला नहीं था, यही पर्स मिला था, ये मैंने ले लिया था। ये कुछ 200 का था, तो इसके अंदर मैंने कुछ अलग अलग चीज़ें लेके भर दी थी। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे कीचेन है, पाउच वाला कीचेन है, बहुत क्यूट सा था ये आइसक्रीम शेप में। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले पैंटलून से लिया था, तो उसको भी मैंने इसमें डाल दिया। और कुछ रबर बैंड्स लिए थे, कुछ क्लिप्स लिए थे, ये रबर बैंड्स मैंने DIY से लिए थे। और ये भी दो का सेट था रबर बैंड का, ये भी मैंने DIY से लिया था। और ये क्लिप ली थी मैंने, ये बैंड्रा से ली थी मैंने। तो सब कुछ मैंने उसको पर्स में भर के पैक करके दे दिया था। और ये एक मैंने छोटा सा क्यूट सा यूनिकॉर्न शेप का है ना लिप बाम मंगाया था, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। बट ये मैं उसको बर्थडे गिफ्ट में नहीं दे पाई थी क्योंकि ये लेट आया था, तो मैंने उसको बर्थडे के बाद में दिया था। और ये है ना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे पिगमेंटेड नहीं है, इसको लगाने के बाद में नॉर्मल वैसलीन के जैसे ही लगता है। और बच्चों के लिए ही है तो हार्मफुल भी नहीं है, लेकिन बहुत क्यूट सा है। और इसकी जो फ्रेगनेंस है ना वो भी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। तो नेक्स्ट ये मैंने एक क्यूट सी डायरी मंगाई थी, ये मैंने मीशो से मंगाई थी, ये भी मैं उसको बर्थडे पे नहीं दे पाई थी, ये बहुत लेट आई थी। तो ये भी बहुत क्यूट सी डायरी है, इसके पेजेस भी एकदम डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल पेजेस हैं। तो ये कुछ 200 के आसपास पड़ी थी मेरे को डायरी। यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये सारे आयत के गिफ्ट्स हैं, मैंने सजा के रख दिए थे वीडियोस लेने के लिए। और आपको कौन सा गिफ्ट अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आयत को ढेर सारी दुआ दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।